आपका दावा तो है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जितने भी सर्वे आते हैं उसमें आपकी पार्टी नंबर 3 पर आती है। कौन सा सर्वे? जितने भी अखबारों में सर्वे हैं। कौन सा? आपकी आपके चैनल ने जो कराया? हाँ, हमारे चैनल में वो फ्रॉड सर्वे था। देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाया मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देने की तरह बात मत करो। ये धमकी बात। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। गोदी मीडिया, गो बैक, गो बैक, ये नारे लगाने वाले भले ही इस समय मुट्ठी भर छात्र हों, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है। बहुत सारे घरों में जो लोग अपने आप को जागरूक मानते हैं, उन लोगों ने अपने घरों में टीवी चैनल्स खोलना बंद कर दिया है। वैसे ही आज ये संख्या कम दिख रही हो, लेकिन धीरे धीरे ये मानसिकता लोगों के अंदर बैठती जा रही है कि देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में आपके जरूरी मुद्दों को भटका करके आपको भारत पाकिस्तान, भारत चीन के बीच में उलझाने वाला ये गोदी मीडिया ही है। आज तक के एक इंटरव्यू में बैठे हुए शख्स ने बकायदा ये बता दिया था उनको कि आपकी 200 जो पिछली डिबेट हुई थी उससे उसमें 80% डिबेट केवल भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर हुई। इसके लिए मीडिया में एक शब्द है, एजेंडा सेटिंग। इसका मतलब मीडिया ये निर्धारित नहीं करता है कि आपको इस विषय के बारे में पक्ष में सोचना है या विपक्ष में सोचना है, लेकिन आपके दिमाग में ये एजेंडा जरूर सेट कर देता है कि आपको सोचना किसके बारे में है, इसका मतलब किस दिशा में सोचना है। ये एजेंडा भी मीडिया अब बनाने लग गया है। बगल में एक पेपर की कटिंग आप देख रहे हैं, इसमें हेडिंग लगी हुई है, 1 मार्च से 160 रुपए में मिलेंगे सभी मुफ्त चैनल। इस खबर की हेडिंग इस तरीके से बनाई गई है कि लग रहा है कि कोई पॉजिटिव खबर है, जबकि खबर यह है कि जो सभी चैनल अभी तक मुफ्त थे उनके भी सरकार 160 रुपए लेने जा रही है। इसी तरीके से जब आप देखते हैं तमाम सारे बड़े बड़े पत्रकारों को जो अपने आप को धुरंधर पत्रकार मानते हैं टीवी चैनलों पर बहस करते हुए, तो वो अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी के सामने जब सवाल पूछते हैं तो लगता है कितने मूर्धन्य पत्रकार हैं, कितने कड़ाई से सवाल पूछ रहे हैं। जब यही पत्रकार अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने पहुंचते हैं तो उनसे पूछते हैं आप आम कैसे खाते हैं, आप अपने ब्रीफकेस में कपड़े कैसे लगाते हैं, उनके जीवन की यात्रा बताते हैं कि आपने चाय कैसे बेची थी, यही मूर्धन्य पत्रकार उनके सामने नतमस्तक होकर के उनसे ये सुनते रह जाते हैं कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको नेशनल जनमत ने भी इस बात का उत्तर ढूंढने की कोशिश की कि ये गोदी मीडिया के पत्रकार आखिर विपक्ष से सवाल पूछते समय इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। वहीं पर जब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछते हैं तो इस तरीके से बर्ताव करते हैं जैसे अपने मालिक के सामने दुमहिला रहे हो। शब्द सुनने में खराब जरूर लग रहा है, लेकिन आप तमाम टीवी चैनलों की बहस देखिएगा, जिन आप पत्रकारों को आप मूर्धन्य पत्रकार मानते हैं उनके इंटरव्यू करने का तरीका देखिएगा। जब वो बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, और जब वो विपक्ष के नेताओं के सामने होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इसका उत्तर ढूंढते समय बात निकल करके ये आई। स्वाभाविक तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा उस चैनल में पैसा लगाया जा रहा है तो वो अपनी मालिक की शान में कसीदे ही गढ़ेंगे। पहला उदाहरण बताता हूं रिपब्लिक टीवी का, अंग्रेजी समाचार चैनल है, इसका हिंदी न्यूज चैनल है आर भारत यानी कि रिपब्लिक भारत। इसके मालिक कम पत्रकार हैं अर्णव गोस्वामी, टीवी चैनलों पर चीखते चिल्लाते हुए देखे जा सकते हैं। इनकी जो चैनल है उसकी कंपनी है ARG आउटलियर एशिया नेट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड। उसके डायरेक्टर ऑफ बोर्ड में अभी तक थे राजीव चंद्रशेखर, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं कर्नाटक से। इनकी कंपनी है राजीव चंद्रशेखर की एशिया नेट न्यूज ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है SARG मीडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये दो वो कंपनियां हैं जिन्होंने रिपब्लिक टीवी और आर भारत के डायरेक्टोरियल बोर्ड में सबसे ज्यादा निवेश किया है। लेकिन जब इस बात को लेकर हंगामा मचा तो राजीव चंद्रशेखर ने 2 अप्रैल 2018 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं इसलिए चैनल की इमेज खराब हो रही है। लोगों को दिखाने के लिए तो इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन राजीव चंद्रशेखर जबकि उस चैनल में सबसे ज्यादा निवेश किए हुए हैं, उनकी पत्नी अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, तो कैसे ये संभव है कि वो चैनल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बर्ताव नहीं करेगा। दूसरा उदाहरण देता हूं,
आज तक चैनल का। आज तक चैनल निश्चित रूप से न्यूट्रल मानी जाती है, उसको सीधे तौर पर गोदी मीडिया में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एक पत्रकार है अंजना ओम कश्यप, जिनको अंजना मोदी कश्यप भी कहा जाने लगा है। उनके पति हैं मंगेश कश्यप, उनके पति मंगेश कश्यप आईपीएस अधिकारी हैं, और दिल्ली में रहने वाले आईपीएस अधिकारियों के लिए सबसे ज्यादा सिफारिश इसी बात की होती है कि उनकी पोस्टिंग दिल्ली में ही बनी रहे, क्योंकि दिल्ली का जो आईपीएस अधिकारी होता है वो यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी में उसका ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है। मंगेश कश्यप वैसे भी दानिप सेवा के अधिकारी थे, प्रमोट होकर के आईपीएस बने हैं। दानिप सेवा में उनको हिमाचल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सर्विस के तहत कहीं भी भेजा जा सकता था, लेकिन अंजना ओम कश्यप चूंकि भारतीय जनता पार्टी की अघोषित प्रवक्ता बन गई हैं, तो उनके पति के लिए गृह मंत्रालय ने पूरी ताकत लगा ली कि उनको दक्षिण दिल्ली नगर निगम का CVO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया जाए। अरविंद केजरीवाल ने जिस पुलिस अधिकारी को नियुक्त करना चाह रहे थे उस पुलिस अधिकारी का नाम हटा करके गृह मंत्रालय ने सिफारिश की दक्षिण दिल्ली नगर निगम से। दक्षिण दिल्ली नगर निगम चूंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारतीय जनता पार्टी के वहां महापौर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नाम को हटा करके CVO के पद पर मंगेश कश्यप की नियुक्ति कर दी। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखा था, मुझे देर नहीं लगती। मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इसी तरीके से इंडिया टीवी के रजत शर्मा जो आपकी अदालत में लोगों को कटघरे में बैठा करके बड़े बड़े सवाल करते हैं, आप YouTube पर जाइए और देख लीजिए अरविंद केजरीवाल से जिस समय वो आपकी अदालत में बैठ करके सवाल करते हैं तो उनका लहजा किस तरीके का होता है, जब वो नरेंद्र मोदी से करते हैं, अमित शाह से करते हैं, अरुण जेटली से करते हैं तो उनका लहजा क्या होता है। रजत शर्मा के बारे में बताया जाता है कि वो दिवंगत नेता अरुण जेटली के क्लासमेट रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि बीजेपी की सरकार आते ही उनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाता है, हाल में ही उनको DDCA का अध्यक्ष बना दिया गया। DDCA के पद पर इससे पहले अरुण जेटली पदासीन थे, अरुण जेटली के निधन के बाद सीट खाली होती है तो वो पद समा दिया जाता है रजत शर्मा को। इसी तरीके से न्यूज 18 इंडिया जो पहले IVN7 हुआ करती थी, इस पूरे ग्रुप को मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया है। इस चैनल के एंकर हैं अमीश देवगन, उनके ऊपर बाकायदा उनकी डिबेट में बैठ करके ही कांग्रेस प्रवक्ता आरोप लगाते हैं और इस तरीके के शब्द बोलते हैं कि आप तो दलाल हैं, और क्या क्या शब्द बोले हैं वो आगे सुन लीजिए। आप जो बीज बो के गए हैं वो मुंह भुगत रहा है राजीव त्यागी, बोलिए फ्रेंड। वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा है। खोले चैनल इसलिए मुल्क भोग रहा है। अमीश देवगन सर, आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए, आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। आप बात आप बात करिए, आप डिबेट के अंदर आए, गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। अमीश देवगन तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाया मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करिए, बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करिए। दलाल भंडवे की तरह बात करो, बात करनी है तो पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी दायरे में बात कर रहा हूँ, आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, तुम देश में आग लगाना पिछड़े चाहते हो, तुम देश में आग लगाना चाहते हो। अब जी न्यूज के बारे में आपको क्या बताना, सभी जानते हैं कि जी न्यूज के जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही राज्यसभा पहुंचे थे, इसलिए जी न्यूज के सुधीर चौधरी के मुंह से जो भी निकलता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही निकलता है। सुधीर चौधरी वही व्यक्ति हैं जो कांग्रेस सरकार रहते हुए तिहाड़ चले गए थे, इसलिए इनको सुधीर तिहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तिहाड़ जेल इसलिए भेजा गया था क्योंकि कांग्रेस नेता नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि उनसे 100 करोड़ रुपए किसी खबर को रोकने के नाम पर मांगे जा रहे थे। अब ऐसे पत्रकारों के मुंह से क्या निकलेगा, वो जनता को क्या बताएंगे, किस तरीके का एजेंडा सेट करेंगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। केवल जब आप TV देख रहे हो, इन पत्रकारों की डिबेट सुन रहे हो, तो उसमें देखिए कि कैसे आपके मुद्दे
कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा, देश की जीडीपी नीचे गिरने का मुद्दा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मुद्दा, प्याज के दाम यानी कि सब्जियों के दाम बढ़ने के मुद्दे, ये पूरी तरीके से गायब रहते हैं। टीवी चैनलों पर जब बहस होती है तो उसमें भारत पाकिस्तान का मुद्दा होता है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता है, भारत चीन का मुद्दा होता है, और तो और ज्यादा बढ़ जाया जाए तो सेना के शौर्य को शामिल कर करके देशभक्ति के मुद्दे पर आपको उलझा के रखा जाएगा। आगे कुछ वीडियो आपके लिए छोड़कर जाता हूं ताकि आप देखें, लोगों को सर्कुलेट भी करें ताकि लोग समझ सके कि ये गोदी मीडिया किस तरीके से आपको मुद्दों को भटका करके आपको ब्रह्म जाल में उलझाने की कोशिश कर रहा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। लोगों को भी इस गोदी मीडिया के अंडरवर्ल्ड, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने किताब लिखी है मीडिया का अंडरवर्ल्ड, वो उस अंडरवर्ल्ड में यही समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मीडिया आपके मुद्दों को भटका रही है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। बता दीजिए कौन कौन से चैनल अलाउड है, कौन कौन से तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो